पाकिस्तान ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांग दी हैं। जिस तरह की घटना पुंछ में आज देखने को मिली है, पाकिस्तान ने फिर शहीदों के शव के साथ बर्बरता की है। आपको बता दें, पुंछ की यह घटना है जहां पर कृष्णा घाटी में बैट ने घात लगाकर हमला किया, हमारे दो जवान शहीद हो गए, उनके शव के साथ दरिंदगी की गई, बर्बरता की गई। और इस घटना को लेकर पूर्व गृह सचिव आरके सिंह का क्या कहना, आपको सुनवाते हैं। था क्योंकि पहले हमारे पोस्ट का अटेंशन डाइवर्ट किया गया फायरिंग के द्वारा, और उस अटेंशन डाइवर्ट करने के बाद हमारे पेट्रोलिंग पार्टी पर, जो कि दो पोस्ट के बीच में पेट्रोलिंग कर रही थी, हमला किया गया और हमारे दो सेनानियों को शहीद किया गया और उनके बॉडी को भी म्यूटिलेट किया गया। यह बर्बरता कार्रवाई है, किसी भी आर्मी को यह शोभा नहीं देती, लेकिन मैं यही कहना पर्याप्त नहीं होगा। इसका जवाब एक ही है कि उनके ऊपर, उनके सेनानियों पर भी हमला किया जाए, उनके पोस्ट पर भी हमला किया जाए, उनके पेट्रोलिंग पार्टी पर भी हमला किया जाए, उतनी ही संख्या में बल्कि उससे ज्यादा के संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जाए और उनके साथ भी वही हर्षण किया जाए जो कि उन्होंने हमारे सेनानियों के साथ किया है। यही जवाब, यही लैंग्वेज वो समझते हैं, यही भाषा वो समझते हैं, और कोई भाषा पाकिस्तान नहीं समझता है, और पाकिस्तानी आर्मी और कोई भाषा नहीं समझता है। आरके सिंह होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी बीजेपी के सांसद हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, यानी उनके पोस्ट पर भी इसी तरह से हमले किए जाएं। तो पाकिस्तान की बेहद ही कायराना हरकत है यह, जिस तरीके से घात लगाकर बैट ने हमला किया, न सिर्फ हमारे दो जवान इसमें शहीद हुए, उनके शवों के साथ बर्बरता की गई है, उनके शरीर को शत विशत कर दिया गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।